नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां आगरा में ताजमहल को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ताजमहल अचानक सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उसके खिलाफ एक याचिका दर्ज की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है और इसके 20 कमरे जो कि बंद है उनको खुलवाने की मांग की है। और ये दावा किया गया है कि इन 20 कमरों के अंदर भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई है। बता दें कि ताजमहल को तेजो महल मानने वालों का ये दावा है और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के जो ऊपर में जो 20 कमरे बने हैं वो कमरे बंद रहते हैं और इन कमरों को खुलवाने की मांग की गई है। और ये भी दावा किया गया है कि इन कमरों में भगवान शिव की मूर्तियां और शिलालेख रखे हुए हैं। इन बंद कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में जो कहा है वो ये कहा गया है कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपर हिस्से में 22 कमरे हैं जो अस्थायी तौर पर हमेशा बंद हैं। अब ताजमहल परिसर में बंद कमरों के दरवाजे खोलने की मांग की है। इनका दावा है कि इन कमरों के भीतर भगवान शिव की मूर्तियां और शिलालेख हैं और महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो कि बताते हैं कि ताजमहल से पहले यहां भगवान शिव का मंदिर था। उन्होंने दावा किया है कि इतिहासकारों ने भी भगवान शिव का मंदिर होने की बात स्वीकारी है। अब आपको मैं बता दूं कि ये याचिका जो है किसने दाखिल की है, उनका नाम है डॉक्टर रजनीश कुमार। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने दलील दी है कि ताजमहल प्राचीन स्मारक है और स्मारक के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बारे में सही और पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के सामने लाना चाहिए और जो उसके अंदर है, जो 22 कमरों में होने का ये दावा किया गया है, उसके बारे में भी जनता को पता चलना चाहिए। जाहिर है देश में और भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं और बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, उनसे कैसे निपटा जाए। और ऐसे में जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, प्राचीन स्मारक हैं जो हमारी सार्वजनिक जगह हैं उन पर ये अब नए नए खुलासे वाकई और हैरान कर देने वाले हैं और इनके मुद्दे उठाना कहीं ना कहीं असल मुद्दों से भटकाने जैसा साबित होता है। तो अब ये सवाल बनता है कि क्या अब ताजमहल में जो ये कमरे हैं इनको खोला जाएगा और देखा जाएगा और इन कमरों में क्या मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज़।